स्टूडेंट खबरें एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल माय सेल्फ निमिषा। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल में आपको मिलती है अपडेट्स अबाउट द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड लॉट मोर। तो इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए मैं लेके आ गई हूँ एक नया एपिसोड, एक नई यूनिवर्सिटी। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, जिसका हम GAD वसु भी कहते हैं, जो लुधियाना में बेस है। इसके बारे में हम जानेंगे क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप क्या एडमिशन प्रोसेस होता है, प्लेसमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानेंगे, ओवरऑल फैसिलिटीज क्या होती है एंड रिव्यूज के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को देखना है एंड तक, एंड इन केस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब अवर चैनल नाउ, बिकॉज अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको सारी यहीं पर मिलती है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी। ये लुधियाना पंजाब में बेस्ड है एंड लोकेटेड है एंड ये UGC अप्रूव्ड है। बेसिकली ये एस्टैब्लिश हुई थी इन द ईयर 2005, यानी काफी पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है, कुछ 14-15 ईयर्स ही अभी यहाँ पे इसको हुए हैं। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, सो ये आपको बहुत सारे कोर्सेज देती है। अगर हम बात करें कुछ लेवल ऑफ कोर्सेज की, तो आप UG PG कोर्स कर सकते हैं, आप डॉक्टर लेवल कोर्स कर सकते हैं एंड डिप्लोमा कोर्सेज भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम स्पेसिफाई करें सम ऑफ द पॉपुलर कोर्सेज के बारे में जो ये आपको प्रोवाइड करती है एंड ऑफर करती है, तो कोर्सेज लाइक आप कर सकते हैं यहाँ से बैचलर्स ऑफ वेटनरी साइंस। ऑब्वियसली आप नाम से ही समझ गए होंगे, अगर आपको वेटनरी डॉक्टर बनना है या साइंस से रिलेटेड आपका इंटरेस्ट है तो यहाँ पे वो सारे कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं। सो आप कर सकते हैं BBSC एंड AH, जो इस कोर्स का नाम है। फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस की बात करें तो 1-2 लाख का आपका खर्चा हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें कौन से एग्जामिनेशन यहाँ पे एक्सेप्ट होता है, तो AIPVT एग्जाम जो होता है, अगर आपको ये कोर्स परस्यू करना है तो उसके बेसिस पे आपको मिलता है एडमिशन। नेक्स्ट की बात करें, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं इन डेयरी टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, आप कर सकते हैं। JEE मेंस के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलने वाला है एंड 4 साल का आपका ये कोर्स होने वाला है, जहाँ पे 1-2 लाख का खर्चा आपका जरूर ही आएगा फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस में। नेक्स्ट की बात करें तो डिप्लोमा इन फिशरीज टेक्नोलॉजीज कर सकते हैं। अगर आप भी कोर्स के बारे में कंफ्यूज हैं, सोच रहे यार ये कौन सा कोर्स है, अगर आप इंटरेस्टेड भी हैं तो इस कोर्स से रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन दी है, एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ पे लिंक्स प्रोवाइडेड रहती है एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी हम वहाँ पे देते रहते हैं, तो एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना मत भूलना। आगे कोर्सेज की बात करते हैं, मास्टर्स ऑफ वेटनरी साइंस कर सकते हैं, यानी MVSC कर सकते हैं। 1-2 लाख का थोड़ा सा खर्चा आने वाला है आपको फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस में। स्ट्रीम्स की बात करें तो आपको 17 स्ट्रीम्स ही ऑफर करता है। कौन कौन सी स्ट्रीम्स ऑफर करता है? वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, वेटनरी मेडिसिन, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, एनिमल न्यूट्रिशन, वेटनरी साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ स्टॉक एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, लाइफ स्टॉक एंड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, ये भी एक आपका सब डिवीजन मिल जाता है, स्ट्रीम्स मिल जाती है। वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन, वेटनरी इन बायोकेमिस्ट्री, वेटनरी इन गायनोकोलॉजी एंड ऑप्शन क्या है, अगर आपको वेटनरी कोर्स करना है तो उसके अंदर बहुत सारी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल होती हैं, तो आप इनमें से कुछ स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर सकते हैं। 17 में 16 ही आपको ऑफर करता है। फिर अगर आप MTech करना चाहते हैं, जिसमें आपको आपके गेट के एग्जामिनेशन के बेसिस पे मिलता है एडमिशन, यानी गेट एग्जाम यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ जाता है, 4 स्ट्रीम्स में आप कर सकते हैं आपका MTech, डेयरी इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी एंड डेयरी इकोनॉमिक्स में भी आप यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं। 1-1.5 लाख का आपका फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस हो सकती है। PhD कोर्सेज भी अवेलेबल है, 21 स्ट्रीम्स में आप PhD कर सकते हैं यहाँ पे, यानी अगर 3 साल की आपकी PhD रहती है तो कोर्सेज एंड स्ट्रीम्स जो अवेलेबल होते हैं वो कुछ स्ट्रीम्स होते हैं लाइक लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, वेटनरी गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्ट्रिक्स, वेटनरी साइंस, वेटनरी एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, वेटनरी साइकोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल न्यूट्रिशन, वेटनरी बायोकेमिस्ट्री, एक्वाकल्चर, एक्वाटिक एनिमल, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, फिशरीज रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो हम आपको बता रहे हैं, यानी कुछ स्पेशलाइजेशन है जिसमें आप PhD कर सकते हैं। इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस के बारे में एंड उसकी रियलिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। आपको हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना होगा माई व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, कॉल या मैसेज कुछ भी करिए, काउंसलर से आप हमारी बात करके कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी डाउट है वो आसानी से रिजॉल्व करा सकते हैं। सो ये तो थी जो PhD का ऑफर करता है। MSc भी आप कर सकते हैं, 2 साल का कोर्स होता है, 6 स्ट्रीम्स होती हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जैसी कुछ स्ट्रीम्स अवेलेबल होती है। BFSC कर सकते हैं, MFSC भी कर सकते हैं, 3 स्ट्रीम्स अवेलेबल होती है अगर आपको मास्टर्स ऑफ फिशरीज साइंस करना है। 2 साल का कोर्स होता है। सीट्स की अगर बात करें तो 8 से 10 सीट ही अवेलेबल होती हैं, लेकिन स्ट्रीम्स जो अवेलेबल होती हैं वो होती हैं फिशरीज रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट, एक्वाकल्चर एंड एक्वाटिक एनवायरमेंट मैनेजमेंट जैसी कुछ आपको अवेलेबल होती है स्ट्रीम्स। नाउ फाइनली अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड बेसिक एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो मैक्सिमम आपका जो
एग्जाम्स होते हैं एंट्रेंस बेस एग्जाम्स के बेसिस पे होता है, गेट जेई मेंस जैसा कुछ मेन एग्जाम होता है जिसके स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है यानी मेरिट बेस मिलता है। वहीं अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो हर कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको उसके बारे में भी बता देती हूँ। अगर आपको BBSC करना है आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए विद अ मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स की बात करें तो 50% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स आपका होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी को होता है। थोड़ा अदर कैटेगरी को अगर आप बिलोंग करते हैं तो रिलैक्सेशन आपको मिल जाती है, थोड़ा सा कम अगर परसेंटेज भी होता है 45 भी होगा तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं यहाँ पे कोर्स परस्यू करने के लिए। देन हम बात करते हैं 10+2 विद 50% एग्रीगेट मार्क्स प्लस आपका AIPVT एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके स्कोर के बेसिस पे आपको मिलता है एडमिशन। अगर आपको MSc करनी है ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, PhD करनी है पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, यानी अगर आप PhD कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से आपने किया है, क्या उसका मेरिट बेस स्कोर रहा है, उसके बेसिस को देखने के बाद ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जज किया जाता है। MTech करना है तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, गेट के एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन मिलता है। अगर आप MBSC कर रहे हैं तो अगेन ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। BTech में भी आपका 10+2 विद मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स और 75% आपके होने चाहिए एंड JEE मेंस के स्कोर के बेसिस पे आपको मिलता है यहाँ पे एडमिशन। तो ये तो थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोर्सेज से रिलेटेड, हमने आपको बताया हर कोर्स का जो क्राइटेरिया है थोड़ा सा डिफर कर सकता है, मैंने बताया आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके हमसे जान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, बेसिक एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आपको यहाँ मिलने वाला एडमिशन, कुछ कुछ कोर्सेज में आपका PI राउंड भी हो सकता है। सो ये था अबाउट द कोर्सेज, अबाउट द एडमिशन प्रोसेस एंड अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, प्लेसमेंट से रिलेटेड। अब आप सोच रहे होंगे यार हमें अगर इस फील्ड में जाना है तो हमको प्लेसमेंट्स अच्छे मिलने चाहिए, हम जगह जगह जाके सर्च करेंगे ज़्यादा टाइम होता है। ऑब्वियसली प्लेसमेंट रिक्रूटिंग कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन या कॉलेज को टारगेट करते हैं, यहाँ पे भी आते हैं प्लेसमेंट्स काफ़ी सारे आते हैं। अगर हम सम ऑफ द प्लेसमेंट एंड कंपनीज की बात करें तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज आती हैं रिक्रूट करने के लिए। स्पेसिफाई करूँ तो प्राइवेट इंडस्ट्री का नाम ले तो नेस्ले आता है, पंजाब मीट्स लिमिटेड, देन गोदरेज, एशियन लिंगन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, गोदरेज एग्रो आता है, स्टड फार्म्स, पंजाब स्टेट डिस्ट्रिक्ट डायरी, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मेंशन करी है कि कौन कौन से कोर्सेज ये आपको ऑफर करता है एंड क्या इसका क्राइटेरिया है, प्लेसमेंट कैसा आता है। बट हाँ, यहाँ पे ने ये डेफिनेटली मेंशन नहीं किया है कि एवरेज पैकेज इनका कितना गया है, लोएस्ट पैकेज कितना गया है एंड अगर हम हाईएस्ट पैकेज की भी बात करें तो इनने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। बट मुझे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी तो स्टूडेंट रिव्यू फीडबैक फॉर्म जो हम स्टूडेंट से भरवाते हैं, जिन स्टूडेंट्स को नॉलेज होती है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो हमें फीडबैक फॉर्म देते हैं एंड उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि बेसिक एंड एवरेज क्या अगर यहाँ पे मिला है तो क्या मिला है एंड क्या आपको एक्सपेक्टेशन आप लगा सकते हैं इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से। तो कुछ अगर हम पैकेजेस की बात करें एंड रिव्यूज की बात करें जो स्टूडेंट्स ने यहाँ पे प्लेसमेंट की बेसिस पे दिया है तो एवरेज पैकेज आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 से 4 लाख का इनिशियली एंड लोएस्ट ये यहाँ का एवरेज यानी लोएस्ट इतने साल तक गया है। तो प्लेसमेंट आप जो भी मैंने आपको कंपनीज बताई आपको कम से कम पैकेज देने वाली है 3 से 4 लाख का। वहीं अगर हम बेसिक की बात करें कि इससे ज़्यादा कितना पैकेज हमको ऑफर कर सकती हैं या कितना नहीं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें वहाँ के स्टूडेंट से बात करिए, उनसे आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रियलिटी आपको बेसिक तो वहाँ की पता चल जाएगी कि अभी तक क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, उनको क्या इन्फॉर्मेशन है, सबसे बेस्ट पॉसिबल इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये तो थी ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेसमेंट्स की कैसी कंपनीज आती हैं, हाईएस्ट लोएस्ट पैकेजेस का हमने आपको जस्ट दे दिया क्योंकि इनने ही खुद मेंशन नहीं किया है अपनी वेबसाइट पे, तो हम आपको कैसे एग्जैक्ट फिगर बता सकते हैं। बट एग्जैक्ट फिगर आपको जानना है तो मैंने आपको उसका भी बता दिया है कहां से आपको पता चल सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लेसमेंट्स। नाउ हम बात करते हैं फैसिलिटीज से रिलेटेड। ऑब्वियसली अगर आप बाहर से जा रहे हैं तो फैसिलिटीज आपको चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। कौन कौन सी फैसिलिटीज ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है तो मैं बता दूं, यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज लाइक यहाँ का खुद का ऑडिटोरियम है, लाइब्रेरी फैसिलिटीज है, मेडिकल हॉस्टल आपको मिल जाएगा अगर आप बाहर से आ रहे हैं, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है अगर आपका स्पोर्ट्स क्वेश्चन अच्छा है तो यहाँ पे आपको उसकी और स्किल एनहांस करने का मौका मिल सकता है। मेडिकल एंड लेबोरेटरीज, ऑब्वियसली आप बायोफील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको एनहांस करने में किसी भी फील्ड किसी भी कोर्स के अंदर। सो यहाँ पे आपको लेबोरेटरीज भी मिल जाती है अलग अलग एंड आप जो चाहें प्रैक्टिकल वर्क वहाँ पे जो सिखाते हैं आप इजिली कर सकते हैं। फाइनली अगर हम इसको कंक्लूड करें यहाँ कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है, क्या इसका रिव्यू हम दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक्स, प्लेसमेंट, अकोमोडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी एंड सोशल लाइफ, तो अगेन मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी ये जो हम आपको रिव्यू बता रहे हैं इट इज ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक फॉर्म जो हमें स्टूडेंट्स की तरफ से फीडबैक मिला एंड जो हमने रिसर्च किया उसके बेसिस पे। तो ओवरऑल रेटिंग की बात करते हैं जो स्टूडेंट खबरी इसको रेटिंग देने वाला है इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स की हम बात करें तो हम इसे रेट करते हैं 8.5 out of 10 ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक फॉर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यूज जो हमको ओवरऑल मिले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 8.6 out of 10, अकोमोडेशन की बात करें तो 8 out of 10, मे बी यहाँ पे फैसिलिटीज जो अप डाउन हुई है स्टूडेंट्स ने फेस करी उसके बेसिस पे हमें एवरेज रिव्यू निकाला है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो मैंने आपको बताया कंपनीज बहुत सारी हैं, गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं,
प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज भी है, यानी आपको कंपनीज मिल सकती है बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यार आपका टैलेंट कितना है, पैकेज कितना आ रहा है। अगेन कोर्सेज इन्हें नहीं बताए कि यार कौन से कोर्सेज के लिए इन्हें स्पेसिफाई किया है कि कौन सी कंपनी आ रही है, तो उसके बेसिस पे हम बात करें तो हम इसको देने वाले हैं 7.9 आउट ऑफ 10। फैकल्टीज की बात करें तो 8.5 आउट ऑफ 10। एंड फाइनली सोशल लाइफ से हम कंक्लूड करना चाहें तो 8.3 आउट ऑफ 10 हम इसे रेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट रिव्यू फॉर्म्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक। आज हमने जाना अबाउट द वेरी यूनिक यूनिवर्सिटी, जो अगर आप वेटनरी कोर्स या एनिमल साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो गुरु आनंद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस जिस यूनिवर्सिटी आप जा सकते हैं, लोकेटेड है लुधियाना में। एंड अगर आप पंजाब में रहते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी से वेल नोन होंगे। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है तो यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि हमारे जो बाकी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं इस फील्ड से रिलेटेड, उनको भी इन्फॉर्मेशन हो जाए। एंड या अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन क्वेरी डाउट है तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके रिजॉल्व करा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। और भी आप चाहते हैं अगर हम आपको कमेंट के थ्रू आपको रिप्लाई करें तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए, हम एज सून एज पॉसिबल उस पर भी रिप्लाई करेंगे। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस वाज मी निमिष जानी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज एपिसोड।